अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम पीएमसी टॉपिक 9 जो है लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स एंड प्लांट, जिसमें न्यूट्रिशन, गैसेस एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट है, इसको हम एमसीक्यूज के थ्रू कवर करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड सेल वॉल ऑफ जाइलम इज टर्म है एज द ए कोहेजन, बी टेंशन, सी कंप्रेशन या डी एडहेशन। तो पूछा ये हुआ है कि वाटर मॉलिक्यूल और जो सेल वॉल होती है जाइलम की, उसके दरमियान जो अट्रैक्शन है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है एडहेशन, उसे एडहेशन कहते हैं, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल और सेल वॉल जो होती है उसमें एडहेशन होती है, जिसकी वजह से पानी जो है वो जाइलम की जो सेल वॉल है उसके ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच एलिमेंट कॉजेज येलोइंग इन प्लांट, ए आयरन, बी ऑक्सीजन, सी मैग्नीशियम, डी क्लोरीन। इसका राइट आंसर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट जो है वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टोमेटा कवर ओनली व्हाट पोर्शन ऑफ लीफ सरफेस, स्टोमेटा जो है वो लीफ सरफेस का कितना पोर्शन कवर करता है, ए 1-2%, बी 10%, सी 50%, सी डी 0.3-0.4%। तो इसका राइट आंसर है 1-2%, जस्ट 1-2% स्टोमेटा जो है वो कवर करता है लीफ का सरफेस। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, कौन से सेल्स हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा के उसको रेगुलेट करते हैं, ए न्यूट्रोफिल्स, बी गार्ड सेल्स, सी बेसोफिल्स, सी डी मेसोहाइल सेल्स। तो इसका राइट आंसर है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ही उसकी स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू अ कंपाउंड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट इज नोन एज, जो एब्जॉर्प्शन होती है वाटर की थ्रू अ कंपाउंड विदाउट डिसॉल्विंग उसे क्या कहते हैं, ए एसेंट ऑफ सैप, बी प्लाज्मोलाइसिस, सी गुटेशन, डी एम्बिबिशन। तो इसका राइट आंसर है एम्बिबिशन। एम्बिबिशन होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कंपाउंड, कंपाउंड के साथ वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, उसमें डिसॉल्व नहीं होता, बस उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो उसको एम्बिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स और वाटर via extracellular pathway is known as, जो मूवमेंट होती है वाटर की या मिनरल की extracellular pathway से उसे क्या कहते हैं, ए वैस्कुलर, बी सिम्प्लास्ट, सी एपोप्लास्ट या डी नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है वैस्कुलर। वैस्कुलर मूवमेंट होती है या वैस्कुलर जो मूवमेंट होती है मिनरल वाटर की extracellular pathway से उसे वैस्कुलर कहते हैं, जिसमें जाइलम जो है वो वाटर की ट्रांसपोर्ट के लिए आता है और फ्लोएम जो है वो फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सटर्नल सॉल्यूशन हैविंग मोर कंसंट्रेशन देन द सेल सैप इसे इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, जो एक्सटर्नल सॉल्यूशन होता है और उसकी कंसंट्रेशन सेल सैप से ज्यादा होती है, ए हाइपोटोनिक, बी हाइपरटोनिक, सी आइसोटोनिक या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है हाइपरटोनिक, क्योंकि हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, टोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स, तो जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो उसे हम हाइपरटोनिक कहेंगे, और एक्सटर्नल सॉल्यूशन में जहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होगी सॉल्यूट्स की तो उसमें सेल सैप की निस्बत उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। डी है द काइनेटिक, क्वेश्चन नंबर 8 है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज, वाटर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी को क्या कहते हैं, ए प्रेशर पोटेंशियल, बी वाटर पोटेंशियल, सी ऑस्मोटिक पोटेंशियल या डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है वाटर पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को वाटर पोटेंशियल कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन ऑफ स्प्लीन इज टू फिल्टर, ए सीमन, बी एमनियोटिक फ्लूइड, सी ब्लड या डी लिम्फ। तो इसका राइट आंसर है ब्लड। जो बॉडी में स्प्लीन होती है उसका काम होता है ब्लड को फिल्टर करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज मेंटेन्ड बाय, ए मेम्ब्रेन प्रोटीन, बी प्लाज्मा प्रोटीन, सी फाइब्रस प्रोटीन या डी मायोसिन। इसका राइट आंसर है प्लाज्मा प्रोटीन। जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है ब्लड का उसको प्लाज्मा प्रोटीन जो होती है वो मेंटेन करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ दीज इज कॉमन इन बोथ लिम्फ वेसल एंड वेन, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो लिम्फ वेसल और वेन दोनों में कॉमन है, ए बोथ हैव स्मॉल पोर्स, बी बोथ हैव लो ब्लड प्रेशर, सी बोथ आर कम्युनिकेटेड, डी बोथ हैव वॉल्व्स। तो इसका राइट आंसर है बोथ हैव वॉल्व्स। लिम्फ वेसल्स और वेन्स दोनों में वॉल्व्स होते हैं जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू जो है वो पैसेज जो है उसको करवाते हैं, बाकी चीजें जो है वो कॉमन नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज थिकेस्ट, इनमें से सबसे ज्यादा थिक कौन सी है, ये हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं इनमें से बताना है कि कौन सा थिकेस्ट है, ए लेफ्ट वेंट्रिकल, बी राइट वेंट्रिकल, सी लेफ्ट ऑरिकल, बी राइट ऑरिकल।
इसका राइट आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल वो पार्ट जिसमें जब पंपिंग होती है तो जो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाता है, तो ये जो है ये सबसे ज्यादा थिकेस्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम लेग्स बाय। ब्लड जो है वो कलेक्टेड होता है लेग से कलेक्ट होता है, तो वो कौन सी वेन के थ्रू होता है या किस वेन के थ्रू होता है? ए हिपेटिक वेन, बी वेना कैवा, सी रीनल वेन या डी इलिक वेन। इसका राइट आंसर है इलिक वेन। इलिक वेन जो है वो लेग से ब्लड सारा का सारा कलेक्ट करके पहुंचाती है हार्ट तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, पेपिलरी मसल एक्सटेंशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। ए बाइकस्पिड कॉन्ट्रेक्शन, सी बी ट्राइकस्पिड कॉन्स्ट्रिक्शन, डी मिट्रल कॉन्स्ट्रिक्शन, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ये सारी की सारी बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और मिट्रल कॉन्ट्रेक्शन तीनों जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं पेपिलरी मसल एक्सटेंशन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हार्ट इज इनक्लोज इन। हार्ट की जो हार्ट है एक ऑर्गन, और उसकी बाहर की कवरिंग को क्या कहते हैं? ए प्लूरल मेम्ब्रेन, बी मेसेंट्री, सी एपी माइसियम या डी पेरिकार्डियम। तो इसका राइट आंसर है पेरिकार्डियम। हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम की कवरिंग में इनक्लोज्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द क्लस्टर ऑफ पाउचेस ओपन फ्रॉम एल्वियोलर डक्ट इज नोन एज। जो क्लस्टर होता है या ये गुच्छा होता है पाउचेस का जो कि एल्वियोलर डक्ट से आगे ओपन होता है उसे क्या कहते हैं? ए ब्रोंकाई, बी ब्रोंकायोल्स, सी एल्वियोलाई, डी फेरिंग्स डक्ट। इसका राइट आंसर है एल्वियोलाई। ये क्लस्टर होता है जैसे अंगूरों का गुच्छा होता है, इस तरह का ये होता है और ये एल्वियोलर डक्ट के आगे मौजूद होते हैं क्लस्टर ऑफ पाउचेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अ मस्कुलर पैसेज दैट इज कॉमन टू बोथ फूड एंड एयर इज नोन एज। एक पैसेज जो कि फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है उसे क्या कहते हैं? ए ब्रोंकाई, बी ब्रोंकायोल्स, सी लेरिंग्स, डी फेरिंग्स। इसका राइट आंसर है फेरिंग्स। फेरिंग्स की जो नाली होती है वो फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज। वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन इनटेक की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है उसे क्या कहते हैं? ए रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, बी गैसेस एक्सचेंज, सी डिफ्यूजन या डी ओस्मोसिस। तो इसका राइट आंसर है गैसेस एक्सचेंज, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों गैसेस हैं और इनके एक्सचेंज होता है इसीलिए इसे गैसेस एक्सचेंज कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है? ए एल्वियोलाई, बी एयर सैक्स, सी ब्रोंकाई या डी ब्रोंकायोल्स। इसका राइट आंसर है एयर सैक्स। एयर सैक्स जो है वो फंक्शनल यूनिट है लंग्स का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, प्लूरल मेम्ब्रेन कवर। प्लूरल मेम्ब्रेन किस चीज को कवर करती है? जैसे हमने पढ़ा था पेरिकार्डियम हार्ट की कवरिंग होती है, इस तरह से प्लूरल मेम्ब्रेन किस चीज को कवर करती है? ए लंग्स, बी हार्ट, सी किडनी या डी ब्रेन। तो इसका राइट आंसर है लंग्स। लंग्स की जो कवरिंग होती है उसे प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, द स्पेस इनसाइड द चेस्ट कैविटी ड्यूरिंग इंस्पायरेशन इज। जो स्पेस होती है चेस्ट कैविटी में जब हम इंस्पायर करते हैं तो वो क्या होती है? ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, सी रिमेन सेम या डी फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो इसका राइट आंसर है इंक्रीज्ड। जब भी हम इंस्पायर करते हैं तो हमारी जो स्पेस होती है चेस्ट कैविटी के अंदर वो इंक्रीज्ड हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, द फैक्टर व्हिच अफेक्ट द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। कौन सा फैक्टर है जो कि ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो होती है हीमोग्लोबिन में उसको इफेक्ट करता है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी टेम्परेचर, सी पीएच ऑफ द ब्लड और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर और पीएच ब्लड की जो होती है तीनों ही इफेक्ट करती हैं ऑक्सीजन की सैचुरेशन को। तो इसका आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, द वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी इफ कंपोज्ड ऑफ। जो द वॉल ऑफ चेस्ट कैविटी इफ कंपोज्ड ऑफ इज कंपोज्ड ऑफ, जो वॉल होती है चेस्ट कैविटी की वो किस पे मुश्तमिल होती है? ए इंटरकोस्टल मसल, बी रिब्स, सी डायाफ्राम, डी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि जो चेस्ट कैविटी की वॉल होती है वो इंटरकोस्टल मसल्स और रिब्स दोनों पे ही कंसिस्ट करती है, इसलिए इसका आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, द स्मॉलर ट्यूब्स विद इन द चेस्ट कैविटी हैविंग कार्टिलेज प्लेट्स इज नोन एज। एक स्मॉलर ट्यूब है जो कि चेस्ट कैविटी के अंदर होती है और कार्टिलेजिनस प्लेट्स की बनी होती है उसे क्या कहते हैं? ए ब्रोंकाई, बी फेरिंग्स, सी ब्रोंकायोल्स या डी बोथ ए एंड बी। इसका राइट आंसर है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो होती है चेस्ट कैविटी के अंदर होती है, एक ट्यूब होती है जो कि
कार्टिलेजनस सी शेप प्लेट्स जो हैं उससे बनी होती है, उसे ब्रोंकाई कहते हैं, और फर्दर वो डिवाइड होती है ब्रोंकायोल्स, फिर उसके बाद एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई बनते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, इन ह्यूमन द टोटल इनसाइड कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज अबाउट, टोटल जो कैपेसिटी होती है लंग्स की वो ह्यूमन में कितनी होती है, ए 3.5 लीटर्स, बी 6 लीटर्स, सी 2.5 लीटर्स या डी 4 लीटर्स। तो इसका राइट आंसर है 6 लीटर्स। 6 लीटर्स तक लंग्स जो है वो इन्फ्लेट हो सकते हैं, उनमें ऑक्सीजन आ सकती है। तो इसका राइट आंसर है बी 6 लीटर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ब्रीथिंग रेट क्या होता है जब ह्यूमन जो है वो एक्सरसाइज करता है तो उसका ब्रीथिंग रेट क्या होता है, ए 15 टू 20 टाइम्स पर मिनट, बी 20 टाइम्स पर मिनट, सी 30 टाइम्स पर मिनट या डी 10 टू 20 टाइम्स पर मिनट। तो इसका राइट आंसर है 30 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में 30 टाइम्स जो है वो ह्यूमन का जो ब्रीथिंग रेट है वो हो जाता है जब वो एक्सरसाइज करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, द एपिग्लोटिस जिसे फ्लैप ऑफ टिश्यू भी कहते हैं वो कवर करता है किस चीज को, ए फेरेंक्स, बी लेरेंक्स, सी ग्लोटिस या डी नेसल कैविटी। तो इसका राइट आंसर है लेरेंक्स, लेरेंक्स के ऊपर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जिसको कवर करता है, उसे एपिग्लोटिस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, व्हिच पिगमेंट प्रोटीन इज आल्सो नोन एज मसल हीमोग्लोबिन, कौन सी पिगमेंट प्रोटीन है जिसको मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं, ए मायोग्लोबिन, बी मेलानिन, सी रोडोप्सिन, डी ल्यूटीन। तो इसका राइट आंसर है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन मायो मसल को कहते हैं और मायोग्लोबिन जो है वो उसे मसल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं और ये एक पिगमेंट प्रोटीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, वी मोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, बी बाइकार्बोनेट आयन, सी प्लाज्मा प्रोटीन या डी डिसॉल्व आयन। तो इसका राइट आंसर है बाइकार्बोनेट आयन, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इन नोस्ट्रिल द सब्सटेंस व्हिच मॉइस्टन एंड कीप द इनकमिंग एयर वार्म इज कॉल्ड, हमारे जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उसके अंदर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका काम होता है कि उसको मॉइस्टन रखे, सॉफ्ट रखे और इनकमिंग एयर जो होती है उसको वार्म रखे, उसे क्या कहते हैं, ए म्यूकस, बी ब्रोंकाई, सी फेरिंक्स, डी ग्लोटिस। तो इसका राइट आंसर है म्यूकस, क्योंकि म्यूकस ही नोस्ट्रिल के अंदर होती है, बाकी ब्रोंकाई जो है वो तो लंग्स का पार्ट है, फेरिंक्स भी नेक में होती है और उसके बाद ग्लोटिस भी, तो म्यूकस जो है ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंकायोल्स इज नोन एज, जो ब्रोंकाई या ब्रोंकायोल्स में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, ए एम्फिसीमा, बी न्यूमोनिया, सी एस्थमा, डी ब्रोंकाइटिस। तो इसका राइट आंसर है ब्रोंकाइटिस, उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ एल्वियोलाई इज कॉल्ड, एक डिजीज जो कि एल्वियोलाई के ब्रेकडाउन से होती है उसे क्या कहते हैं, ए एस्थमा, बी एम्फिसीमा, सी ट्यूबरक्लोसिस या डी बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर है एम्फिसीमा। एम्फिसीमा वो डिजीज है जिसमें एल्वियोलाई की ब्रेकडाउन हो जाती है, तो एम्फिसीमा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इन बी सेल डिवीजन टेक प्लेस विदाउट एनी कंट्रोल एंड कॉजेस ट्यूमर, वो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिसमें सेल डिवीजन हो रही होती है विदाउट एनी कंट्रोल, यानी कि अनकंट्रोलेबल डिवीजन हो रही होती है और ट्यूमर कॉज होता है, उसे क्या कहते हैं, ए एम्फिसीमा, बी एस्थमा, सी ब्रोंकाइटिस या डी लंग कैंसर। तो इसका राइट आंसर है लंग कैंसर, क्योंकि कैंसर ही वो चीज है जिसमें अनब्रेकेबल या अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होती है और ट्यूमर होता है, लंग्स के अंदर होगा तो लंग कैंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, पैंक्रियाटिक जाइमोजेन आर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन दे रीच एट, पैंक्रियाटिक जाइमोजेन सभी एक्टिवेट होते हैं जब वो कहाँ पे पहुंचते हैं, ए स्टमक, बी पैंक्रियास, सी लार्ज इंटेस्टाइन, डी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, पैंक्रियाटिक जाइमोजेन एक्टिवेट होते हैं जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचते हैं, क्योंकि उनका फंक्शन ही वहीं पे होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, जाइमोजेन सेल सिक्रीट, जाइमोजेन सेल क्या चीज सिक्रीट करते हैं, ए म्यूकस, पी एच सी एल, सी पेप्सिनोजेन या डी इंट्रिंसिक फैक्टर। इसका राइट आंसर है पेप्सिनोजेन, जाइमोजेन पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं जो कि इनएक्टिव होता है और जब HCL उसको एक्टिव करते हैं तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आगे फर्दर उसका जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है एक्टिवेशन का।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, बोचुलिज्म इज अ सीवियर फॉर्म ऑफ, बोचुलिज्म किसकी सीवियर फॉर्म है, बिगड़ी हुई फॉर्म है, ए अनीमिया, बी फूड पॉइजनिंग, सी बेरी बेरी, डी कॉन्स्टिपेशन, ये तमाम डिजीजेस हैं। तो बोचुलिज्म सीवियर फॉर्म है किसकी, इसका राइट आंसर है फूड पॉइजनिंग। जब फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसकी सीवियर फॉर्म बोचुलिज्म एक डिजीज होती है जो कि हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, पेयर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स लोकेटेड बिहाइंड द जॉ इज कॉल्ड, स्लाइवरी ग्लैंड का एक पेयर होता है जो कि बिहाइंड द जॉ होता है उसे क्या कहते हैं, ए सब मैक्सिलरी ग्लैंड, बी सब लिंगुअल ग्लैंड, सी पैरोटिड ग्लैंड या डी एड्रिनल ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है सब मैक्सिलरी, क्योंकि मैक्सिला होता है जो जॉ होता है उसके पीछे होता है, तो सब मैक्सिलरी ग्लैंड जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, ए एड्रिनल्स, बी थाइमस, सी पैरोटिड या डी लिवर। इसका राइट आंसर है लिवर। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है तो उसका आंसर है लिवर, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो लिवर है, और ऑफ ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो स्किन है, क्योंकि अगर हम अंदर की बात करेंगे तो लिवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, और अगर हम ह्यूमन बॉडी के ऊपर की बात करेंगे तो स्किन सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी दोनों आ जाए स्किन और लिवर और पूछा जाए कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, यहाँ पे ग्लैंड का कहा हुआ है तो लिवर एक ग्लैंड है, और अगर लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा हुआ है तो उसमें भी लिवर आता है अगर इन ह्यूमन बॉडी हो, और अगर ऑफ ह्यूमन बॉडी हो तो स्किन आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ तो ग्लैंड पूछा हुआ तो वो तो लिवर ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, इन द इंटेस्टाइन द ब्रांचेस ऑफ लिम्फ कैपिलरीज विद इन विलाय आर कॉल्ड, इंटेस्टाइन के अंदर जो ब्रांचेस होते हैं लिम्फ कैपिलरीज की विलाय के अंदर उसे क्या कहते हैं, जो कि ब्लड सप्लाई का काम करती हैं, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं ये, उसे क्या कहते हैं, ए लिम्फ, बी लिम्फ नोड्स, सी लिम्फ वेसल या डी लैक्टील। इसका राइट आंसर है लैक्टील, ये बेसिकली ब्लड को प्योरीफाई करती हैं, लिम्फ कैपिलरीज होती हैं विद इन विलाय होती हैं, इसे लैक्टील कहते हैं, जो कि ब्लड को जो है वो साफ करने का काम वहां पे करती है इंटेस्टाइन के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, बैक्टीरिया लिव इन ह्यूमन बॉडी फॉर एंजाइमेटिक सोर्स एंड विटामिन, बैक्टीरिया जो है ह्यूमन बॉडी में रहता है फॉर एंजाइमेटिक सोर्स एंड विटामिन, वो कौन सा है बैक्टीरिया, ए सुडोमोनस, बी स्पायरो की, डी एंटेरोकोकस या डी कैंपाइलोबैक्टर। तो इसका राइट आंसर है डेरोकोकस, ये वो बैक्टीरिया जो ह्यूमन बॉडी में रहता है एंजाइमेटिक सोर्स और विटामिन के तौर पे उसके लिए जो कि जरूरी होता है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, लिपिड एमल्सिफिकेशन इज डन बाय, लिपिड एमल्सिफिकेशन क्या कहाँ होती है, इज डन बाय कौन करता है, ए पेंक्रियाटिक जूस, बी गैस्ट्रिक जूस, सी बाइल, डी इंटेस्टाइनल जूस। तो इसका राइट आंसर है बाइल, ये जो गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल प्रोड्यूस होती है ये लिपिड की इमल्सिफिकेशन करती है, उसको इमल्सिफाई करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, पैथोजेंस इनसाइड बॉडी आर किल्ड बाय, पैथोजेंस जो कि हमारी बॉडी में होते हैं उनको कौन किल करता है, पैथोजेंस वो होते हैं जो कि बाहर से आते हैं, ए एंटीबॉडीज, बी इम्यून सिस्टम सेल्स, सी इंटरफेरॉन, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है इम्यून सिस्टम, हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो बाहर से आने वाले एजेंट्स को जिनको पैथोजेंस कहते हैं उनको किल करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज ट्रू अबाउट टी सेल, टी सेल जो होते हैं उसके बारे में इनमें से कौन सी बात सही है, ए अ टाइप ऑफ लिम्फोसाइट, बी प्रेजेंट इन द ब्लड एंड वर्क एज अ डिफेंस, सी दे किल द फॉरेन इन्वेडर्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये तमाम बातें कि ये लिम्फोसाइट की टाइप है और ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं एज अ डिफेंस का काम करते हैं और ये फॉरेन इन्वेडर्स को किल करते हैं, सारी चीजें ही टी सेल्स के लिए सही है, इसलिए इसका राइट आंसर है डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, अ फ्लूइड इन ट्रांजिट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड, वो कौन सा होता है फ्लूइड जो कि इन ट्रांजिट होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ब्लड में, जो कि ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान में एज अ ट्रांजिट काम करता है, ए साइनोवियल फ्लूइड, बी प्लूरल फ्लूइड, सी एमनियोटिक फ्लूइड या डी लिम्फ। तो इसका राइट आंसर है लिम्फ, लिम्फ ही वो है जो कि ब्लड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड के दरमियान में ट्रांजिट का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, टॉन्सिल्स आर रिलेटेड टू, टॉन्सिल्स किस चीज से रिलेटेड होते हैं, ए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, बी नर्वस सिस्टम, सी डिफेंस सिस्टम या डी लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसका राइट आंसर है लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि टॉन्सिल्स जो होते हैं वो भी लिम्फेटिक सिस्टम का एक
पार्ट होता है जो कि हमारी नेक में मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। लिम्फ नोड्स में भी लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी इन द टिश्यूज ऑफ। लिम्फ नोड जो है वो लोकेटेड होते हैं ह्यूमन बॉडी में, किसके टिश्यूज में? इन द टिश्यूज ऑफ ए स्टमक, बी ब्रेन, सी ग्रोइन एंड नेक एंड डी थायराइड ग्लैंड। इसका राइट आंसर है ग्रोइन एंड नेक। ये नेक और उसके थोड़े से नीचे का पार्ट होता है, वहां पे लिम्फ नोड जो है वो मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, लिम्फ कैपिलरीज जॉइन टुगेदर फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल दैट गिव राइज टू। लिम्फ कैपिलरीज मिलकर लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाती हैं जो कि आगे क्या प्रोड्यूस करते हैं, क्या मिलकर क्या बनाते हैं? ए थोरेसिक डक्ट, बी थोरेसिक लिम्फ डक्ट, सी लिम्फ डक्ट या डी स्पर्म डक्ट। तो इसका राइट आंसर है लिम्फ डक्ट, कि कैपिलरीज मिलकर वेसल्स बनाती हैं, लार्जर वेसल्स जो कि आगे लिम्फ डक्ट बनाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। लिम्फेटिक सिस्टम में ये सारी चीजें हैं सिवाय एक ही, हमने जो नहीं है वो बतानी है। ए लिम्फ नोड्स, बी ब्लड, सी लिम्फेटिक वेसल या डी लिम्फ। इसका राइट आंसर है ब्लड, क्योंकि लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फेटिक वेसल या लिम्फ, ये तमाम चीजें तो लिम्फेटिक सिस्टम में होती हैं लेकिन ब्लड उसमें नहीं होता। इसका काम ब्लड को प्योरीफाई करना है लेकिन ब्लड जो है वो इसमें शामिल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 49 है, सेल टर्जिडिटी इज कॉज बाय। सेल की जो टर्जिडिटी होती है वो किस क्यों कॉज होती है, कौन किस तरह से कॉज होती है? ए एंडोस्मोसिस से, बी एक्सोस्मोसिस से, सी प्लाज्मोलाइसिस से या डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। तो इसका राइट आंसर है एंडोस्मोसिस से, क्योंकि एंडो का मतलब होता है एंटर होना, ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी। जब बाहर से पानी अंदर एंटर होगा तो सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, बर्स्ट भी कर सकता है अगर बहुत ज्यादा पानी अंदर चला जाए तो। और उसके ऑपोजिट में अगर पानी बाहर निकल जाए तो वो एक्सोस्मोसिस कहलाएगा और उसमें सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगा। तो ये दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। क्वेश्चन नंबर 50 है, थिक वैक्सी एंड लेदरी क्यूटिकल अराउंड लीव्स इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक थिक वैक्सी लेदरी क्यूटिकल जो है वो पाई जाती है लीव्स के अराउंड, और उसे क्या कहते हैं? इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ये नहीं, वो जो पाई जाती है वो इनमें से किस में पाई जाती है? ए हाइड्रोफाइट्स, बी मीजोफाइट्स, सी हेलोफाइट्स या डी जीरोफाइट्स। इसका राइट आंसर है जीरोफाइट। जीरोफाइट वो होते हैं जो कि ज्यादातर सहरा में पाए जाते हैं और उनकी जो लीव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, वैक्सी होते हैं ताकि वाटर की जो है वो शॉर्टेज को रोका जा सके, और लेदरी होते हैं तो वो लीव्स के जो है वो अराउंड पाई जाती है, तो जीरोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे एमसीक्यू इससे रिलेटेड जो है वो उम्मीद है आपको पेपर में आए, तो आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।